कैसे सोचा मशल ने कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंट करती हूँ और अब मैं ड्रामों में एक्टिंग करूँ? अच्छा, तो एक्चुअली मैंने यूनिवर्सिटी पे तो मैथ पढ़ी थी। मैथ आई वाज अ मैथ टीचर जी। अच्छा, तुम्हारा जो मेन सब्जेक्ट था वो मैथ्स थी? मैथ। और सब्सिडियरी क्या थे? सॉरी, सब्सिडियरी सब्जेक्ट जो थे? स्टैटिस्टिक्स। ओह होए होए होए, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई थी तो मैंने डिसाइड किया था कि 6 महीने तो मैंने कुछ भी नहीं करना। मैं बहुत थक गई थी, मेरा दिमाग काम ही नहीं करता था इतनी मैथ पढ़ने के बाद, कसम से, सीरियसली। एंड तो मैं बस घर पे चिल कर रही थी, मेरे अम्मी तंग आए हुए थे कि तुम क्या कर रही हो, कर क्या रही हो। मैंने बोला अभी आप बस मुझे रिलैक्स करने दो। चिल करने में क्या क्या करती थी? जैसे फॉर एग्जाम्पल हैंग आउट करी दोस्तों से मिल लूंगी, ऑल ऑफ दैट यू नो, जो भी कॉलेज में नहीं कर पाए तो वो सब नींदें पूरी की। वापस आके obviously because I was studying in Canada, तो वहाँ देसी खाने नहीं मिलते, तो मैं वो तो बहुत मिस करती थी। हाय हाय, ये कहाँ से देसी खाने खाए हैं आपने? मुझे तो इसी नजर सब्जियाँ, दालें, हाय हाय, मखनी दाल वगैरह मक्खन के साथ। नहीं, मक्खन के साथ मक्खन नहीं खाती, लेकिन कफीला की जो दालें होती है ना, स्पेशली उनकी रेड किडनी वाली दाल, वो तो अभी मैंने बहुत मिस किया। तो वापस आके यही किया। एंड फिर पता नहीं, मैं किसी इवेंट में गई थी, जो PIFF होता है ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहाँ गई थी। फिर वहाँ जाके मतलब 3 दिन बाद मुझे कॉल आई कि आप आके ऑडिशन दे दो। मैंने बोला किसी ऐसे ही गई थी मैं दोस्तों के साथ, ऐसे देखने के लिए, बिकॉज मेरी जो बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, उनकी अम्मी शी इज डायरेक्टर, मिस्बा खालिद जो है जी, उनकी बेटी और मैं, हम 1 साल के थे, हम तब से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये देखो जरा, मैंने छोटे-छोटे देखा उनकी बेटी बच्चों को, है ना। सो वहाँ से किसी ने मुझे हम टीवी से कॉल किया, बोला कि ऑडिशन के लिए आ जाएं। बोला चलो ठीक है। मैं बचपन में थिएटर भी करती थी, कमर्शियली भी थिएटर बहुत किया हुआ है, और मैं अभी फारिग भी हूँ, अभी चिल कर रही हूँ। एग्जैक्टली, सब चलो देख लेते हैं, लेट्स गो। तो मैं गई और 3 दिन बाद उन्होंने बोला कि जी आपको सुनो चंदा में 2nd लीड मिल गया, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। लेकिन मुझे यकीन नहीं आया था। अच्छा, सच्ची सच्ची बताओ, तो किसी से मशवरा किया कि पैसे कितने मांगू, या जो उन्होंने दिए वो तुमने ले ली? नहीं, मशवरा किया था। ऑफ कोर्स मेरी अम्मी की जो बेस्ट फ्रेंड है, उनके हस्बैंड और उनके सब सारे दोस्त वो मीडिया में हैं, ऑन द म्यूजिक साइड। तो मैंने उनसे पूछा था, आई वाज लाइक कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स मांगू, बिकॉज मुझे तो नहीं पता, और मैं वैसी लाइक आई एम अ लिटिल लाइक भोली इन दैट सेंस, अगर कोई मैं लोगों की बातों में आ जाती हूँ। तो अगर उन्होंने बोला नहीं नहीं ये स्टैंडर्ड है, तो मैं बोलूँगी ठीक है स्टैंडर्ड है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर मैंने मशवरा लिया, मैंने काइंड ऑफ समझा कि मेरे राइट्स क्या हैं, मुझे क्या मिलना चाहिए, वर्थ क्या है, और मैंने उसके मुताबिक किया। पैसे फिर जो मांगा वो मिले? नहीं, थोड़ा लेकिन हुआ। हाँ, लिटिल बिट कम, लेकिन मच बेटर देन जो पहले मिल रहे थे उससे। अच्छा, तो फिर जब तुमने पहला वाला वो तुमने ड्रामा किया, उसके बाद फिर तुम्हें ऑफिस आना शुरू हुई दूसरे ड्रामों के लिए? या दे केप्ट कॉलिंग मी बैक, वो मुझे कॉल करके बोलते थे अच्छा ये रोल है आके चेक कर लो। तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ती थी पहले, फिर मैं डायरेक्टर से मिलती थी कि मतलब आई फील लाइक आपका डायरेक्टर के साथ कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 12 घंटे गुजारने हैं उस सेट पे। अगर डायरेक्टर की आपके साथ नहीं बनती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सुनो, तो तुम्हें कौन हेल्प करता था कि ये कैरेक्टर तुम्हें करना चाहिए, ये कैरेक्टर तुम्हें नहीं करना चाहिए? कौन ऐसे खुद ही अपनी अकल से? कि ऑब्वियसली इतना टीवी तो देखा है मैंने कि मुझे समझ है कि ये कैरेक्टर बहुत ऑफ लगेगा, ऑडियंस साथ क्लिक नहीं करेगा, और ये वाला ऑडियंस को मजेदार लगेगा। तो अपने हिसाब से मैंने अंदाजा किया कि यू नो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब जब ये सब कुछ कर रही थी तो अम्मी अबू नहीं कह रहे थे कि तुम अक्सर अम्मा अब्बा जो बच्चा कर रहा होता है वो कहते हैं तुम गलत कर रही हो, तुमने तो पढ़ा वो है, तुम पता नहीं कहाँ जा रही हो? ऐसा हुआ कुछ ऐसा? बिल्कुल ऐसे हुआ था। अच्छा, मेरी अम्मी को आई फील लाइक बचपन से आइडिया था कि मैं अदाकारी करना चाहती हूँ। अरे अच्छा। और हमारी फैमिली में तो सब डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये सारी चीजें है ना। तो अम्मी बोलती थी यू आर नॉट एन एंटरटेनर, यू आर अ थिंकर। बोलती थी आई डोंट वांट टू बी अ थिंकर, मुझे एंटरटेनर ही बनना है। बोलती थी नहीं, you are a thinker, you will write books, you will do these things, and I was like, चले ठीक है कर लूँगी। लेकिन फिर जब मैंने उन्हें बताया कि you know मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, तो she was like ठीक है, I think उन्होंने इतना seriously नहीं लिया। होगा ही नहीं। जाओ पूरा कर लो। Exactly। तो फिर जब मुझे मिला तो उन्होंने बोला कि अच्छा यू श्योर कि यू वांट टू डू दिस, थोड़ी सी कन्विंसिंग करनी पड़ी। लेकिन एक अम्मी को कन्विंस करने में ज़्यादा मुश्किल है या अबू को? अबू वाज काइंड ऑफ ऑलवेज जस्ट लाइक चलो, अबू का कोई अम्मी को हैंडल करने देते हैं। हाँ, मैं क्यों बुरा बनूं? अब्बा यही करते हैं, जाओ तुम देख लो, मतलब अम्मी को पीछे पीछे बोलते हैं लेकिन अब बच्चों के आगे कान भरते हैं ना, कान भरते हैं, है ना? सही कह सारे अब्बा।